हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज इस पौधे के बारे में बात करेंगे। ये है मैक्सिकन पिटूनिया। और देखिए इसके फ्लावर्स कितने खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल जैसे ना पिटूनिया के दिखते हैं उस तरह से इसके भी दिखते हैं। तो इसको कैसे लगाना है, कैसे इसकी केयर करना है, कैसे इसको प्रोपेगेट करना, आज इसकी सारी केयर बताऊँगी। तो बनी रही मेरे वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैक्सिकन पिटूनिया है और एक ये पेरिनियल प्लांट है, ये परमानेंट प्लांट है, 12 मास रहता है हमेशा। एक बार आपके गार्डन में आ गया तो ये हमेशा रहेगा और एक से बहुत सारे बनते रहेंगे। तो इसमें इस तरह से फूल आते हैं और मेरे पास दो कलर के हैं। ये पिंक वाला है, एक मेरा ये पिंक वाला जो होता है, जो हाइब्रिड वाला होता है, इसकी बहुत ज़्यादा हाइट नहीं जाती है, 1.5 से 2 फीट के आसपास ही होती है। और ये काफ़ी आसपास अपना इसके नए नए प्लांट निकलते रहते हैं, बहुत इजीली ग्रो होता रहता है। और पर्पल वाला है, वो देसी वाली वेराइटी होती है, तो वो भी अपने आप फैलते रहते हैं उसके बीज और ग्रो होता रहता है। तो वो भी अभी मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में। तो इसकी इस तरह से फूल होते हैं और इस बर्ड्स आते हैं बहुत सारी, और एक दिन फूल खिले रहते हैं और देखिए इस तरह से गिर जाते हैं फिर ये फूल, और दूसरे दिन फिर नए फूल आते हैं, इस तरह से गिर जाते हैं। बहुत सुंदर कलर है, लाइट पिंक है ये वाला मेरा, और देखने में बहुत सुंदर लगता है। आप इसको ज़मीन में लगाइए, आप इसको पॉट में लगाइए, आप इसको बास्केट में लगाइए, कहीं भी लगा सकते हो। मेरा पहले ये पॉट में लगा हुआ था बट बहुत ज़्यादा हो गया तो मैंने इसको ज़मीन में लगा दिया, और उसको मैं हैच की तरह बना रही हूँ, धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से एक लाइन से जब खिलते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है। ये वाला मेरा पर्पल वाला है, देखिए ये जो देसी होता है, ये मैं बहुत पहले लाई थी जब स्टार्टिंग मैंने गार्डनिंग किया था, एक प्लांट खरीद के लाई थी, उससे हज़ारों बन गए, मेरे गमले में था, फिर बहुत सारा होने लगा। क्योंकि इसके बीज देखिए इस तरह से जैसे पक जाते हैं ना, हल्का सा प्रेस करेंगे तो छिटक जाते हैं और दूर दूर तक फैलते हैं, तो हर जगह उग जाता है ये। तो बहुत इजी टू ग्रो है और बहुत सारे जब उगते हैं तो बहुत सुंदर लगता है। अगर आप किसी ज़मीन को भरना है तो आप इसको लगा दीजिए, पूरा भर जाएगा एक साल में, इतना ज़्यादा उगता है। और देखिए जब इकट्ठा जब खिलता है ना तो बहुत सुंदर दिखता है, दूर से ही फ्लावर्स ही फ्लावर्स दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत कम केयर वाला प्लांट है और पूरी आसानी से चलता है। देखिए ज़रा हल्का सा पुश करते हैं, पट से आवाज़ आती है। और मेरे बच्चे तो छोटे थे तो इससे खेला करते थे, ज़रा सा ऐसी दवाई तो लगता है ना जादू होगा, देखिए दवाई है तो बहुत थोड़ा सा इसको दबाते हैं तो फट जाता है, जैसे हल्का सा प्रेस करेंगे बस देखिए आवाज़ आती है पट से, और बहुत सारे सीड्स निकलते हैं इसमें। तो ये सीड्स अपने आप ही इधर उधर गिरते रहते हैं, फैलते रहते हैं और उगते रहते हैं। तो इसको तो मैं अब अलग से मेरे को ग्रो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही उग जाते हैं, फिर मैं कटिंग कर देती हूँ, फिर बढ़ जाते हैं, मैं उखाड़ती रहती हूँ इनको, बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये पर्पल वाला है, देसी वाला है, बहुत सारे सीड्स बनते हैं। तो आप इसको कटिंग से ग्रो कर सकते हो और इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हो। तो ये देसी वाला है, तो आप यही प्रोपोगेशन की यही बात करती हूँ, तो इसको आप कटिंग से इजीली ग्रो हो जाता है और इसको तो सीड से ही अपने आप ही ग्रो होता रहता है, कटिंग भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो हाइब्रिड वाला है आप उसमें भी कटिंग उसकी आसानी से लग जाती है, उसमें सीड्स नहीं मैंने ज़्यादा देखे हैं, उसकी कटिंग इजीली लग जाती है। तो इस तरह से देखिए एक दिन खिलता है फिर सारे फ्लावर नीचे गिर जाते हैं, इस तरह से देखिए ये कलर कितना प्यारा है, लाइट पर्पल सा है और बहुत सुंदर देखने में लगता है, जब ये भरता है पूरा बहुत सुंदर दिखता है इस तरह। देखिए मेरे जगह जगह उग जाते हैं, ये अलग उगा हुआ वो अलग उगे हैं, तो पूरी क्यारी इसी से भरी हुई है, बट अभी फूल आ रहे हैं तो मैंने छोड़ दिया। ये देखिए पिंक वाला है मेरा हाइब्रिड वाला, तो इसकी आप इजली कटिंग लगा लीजिए, बहुत ईजली लग जाती है, मैंने सारे कटिंग से लगाए हुए हैं, मेरे गमले में था फिर मैंने सारा ज़मीन में अब लगाती जा रही हूँ, वो पूरा भर जाएगा इस तरह से, देखिए लग जाता है। और इसकी पेस्ट अटैक की बात करें तो देखिए इस तरह से वाइट वाइट इसमें मिली बग कई बार लग जाते हैं, ये देखिए इस तरह से दिख रहे हैं। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए फिर वो भी ठीक हो जाते हैं, बहुत कम लगते हैं, कभी कभी लग जाते हैं, जैसे आप किसी प्लांट में लगा है तो लग जाता है, तो तुरंत स्टार्टिंग में आप उसमें केयर कर लें तो ठीक हो जाता है। आप नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हो, बहुत ईजिली ठीक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो उसमें 1 लीटर में आप 5-6 बूंदे नीम ऑयल की डाल के स्प्रे कर दीजिए वीक में एक बार, और जब स्प्रे करें आप शाम को करें या बहुत सुबह सुबह करें, धूप में ना किया करें, तो वो प्रॉब्लम भी ठीक हो जाती है।
और इसकी सन की बात करें तो इसको धूप चाहिए, फुल दिन की धूप, जहाँ फुल दिन की धूप आती हो, जैसे मेरे क्यारी में लगे हों तो यहाँ सारा दिन धूप रहती है तो फूल अच्छे आते रहते हैं। तो धूप जहाँ भी आपके 5-6 घंटे की धूप आती हो उधर खिलता रहेगा, आराम से खिलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इसकी सॉइल मीडिया की बात करें तो इसको वेलड्रेन सॉइल मीडिया चाहिए, तो उसके लिए आप जैसे 50% मतलब एक भाग आप ले लीजिए मिट्टी गार्डन सॉइल, और एक भाग ले लीजिए आप सैंड, और उसका आधा भाग ले लीजिए कंपोस्ट, मतलब वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कुछ भी ले लें, और फंगिसाइड एक चम्मच फंगिसाइड या नीम खली, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं, दोनों भी डाल सकते हो, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन युक्त खाद की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ज़्यादा नाइट्रोजन आप डालोगे, ज़्यादा खाद डालोगे तो पत्ती आएंगी, फूल नहीं आएंगे। कई लोग कहते हैं ना हमारे पिटूनिया में फूल नहीं आ रहे हैं, तो इसी वजह से कई बार नहीं आते हैं, लीफ ज़्यादा आएंगी और फूल नहीं आएंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा इसको नाइट्रोजन युक्त खाद ना दें, और 2-3 महीने में एक बार थोड़ी सी खाद डाल दें, एक मुट्ठी गोबर की खाद तो काफ़ी होती, मैं कहूँगी 4-5 महीने में भी आप डाल दोगे तो भी काफ़ी हो जाती है, और ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। या कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र आप यूज करते हैं तो वो डाल सकते हैं 2-3 महीने में एक बार, तो काम चलता रहेगा और फ्लावर्स अच्छे आते रहते हैं, पूरी साल फ्लावर देता है, फरवरी से स्टार्ट होता है, पूरी सर्दी तक फूल देते रहते हैं, कई बार तो सर्दी में भी देता रहता है, तो बहुत इजी टू केयर है। और जब कोई फ्लावर्स नहीं होते हैं इसमें हमेशा फ्लावर आते ही रहते हैं, इस तरह से आते रहते हैं, तो इस तरह से आप लगा सकते हो मैक्सिकन पिटूनिया। और वाटर की बात करें तो इसको देख के दें पानी, डेली दे सकते हो या एक दिन छोड़ के दे सकते हो, एक आध दिन नहीं भी दोगे तो इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, तो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट ऐसा नहीं है कि आपने एक दिन नहीं दिया तो बस सूख गया, ऐसा नहीं है, तो देख के दे रहे, एक दिन छोड़ के भी दे सकते हो, 2 दिन छोड़ के आप देख लीजिए, नमी बनी रहे, ड्राई ना हो, और उस हिसाब से देख के पानी दें। पॉट की बात करें तो आप इसको कहीं भी लगा सकते हो, छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हो, बड़े में लगाएंगे तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है, और ज़मीन में लगाएंगे तो बहुत सारे होते रहते हैं, जैसे होता ना आपको ज़मीन को कवर कराना तो ज़मीन पूरी कवर कर लेगा। तो पॉट तो स्टार्टिंग में छोटा प्लांट है तो छोटे पॉट में लगाएं, और जैसे ही बढ़ता जाए और ज़्यादा होते जाएं तो पॉट का साइज चेंज करते जाएं, तो इस तरह से आप पॉट का चूज कर सकते हो। वो तो बहुत हार्डी प्लांट है, इजीली ग्रो हो जाता है, तो आप इसको लगाइए, और ऐसे फूल आपके गार्डन में फिर बहुत सारे आएंगे। और कोई दिक्कत हो और कुछ आपको इसमें पूछना तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगी। और फूल खिलने के बाद जो ये फूल मुरझा जाते हैं तो मैं कहूंगी इनको ज़रूर निकाल दिया करें, उससे फिर नए फूल आते हैं, उनमें ताकत मिलती है और भी बूसी बन जाता है। तो जब भी फ्लावर आपके खिल जाएं किसी भी फ्लावर प्लांट में तो उसको पुराने जो फूल होते हैं उनको हमेशा निकाल दिया करें, तो उससे प्लांट हेल्दी रहता है और बहुत इजी टू ग्रो है, बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत कम केयर वाला। मैं कहूँगी जो बिगिनर्स होते हैं ना जिनको नहीं पता इसमें जैसे गार्डन के बारे में, तो आप इस प्लांट को उगा सकते हो और अच्छी तरह से आप इसकी केयर कर पाओगे, तो इसको ज़रूर मैं कहूँगी लगाएं। बहुत सुंदर देखिए लगता है जब बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, इस तरह से दिखता है, देखिए मेरा भर जाता है पूरा, आपके गार्डन में कुछ उगते बहुत सुंदर देखने में लगता है, तो आप इसको लगा सकते हो, नर्सरी में मिल जाएंगे। हो सकता है इसमें और भी कलर्स आते हो, मेरे पास फिलहाल ये 2 हैं, एक पिंक है एक पर्पल है, तो आप लगाइए, इजीली लग जाता है, या किसी के यहाँ लगा हो आप उसको कटिंग ले लें वहाँ से, तो उधर से भी लग जाएगा, कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और कुछ ज़रूरी जानकारी मिली होगी। तो अगर मेरे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करें, जो घंटी बनी होती है आप उसको क्लिक करें, तो मेरे वीडियो जब भी मैं डालूँगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।